और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कमेंट्स करते हैं कि भाई आपकी टीम वर्क नहीं कर रही। बट यार एक चीज बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर जो कि आपको टीम देते हैं टेलीग्राम पे बुलाकर भाई आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं और वो भी टीम वर्क नहीं करती है, ठीक है। बट मेरी टीम जो की होती है आपको 50 रुपए में 150-200 रुपए तो दिलाई देती है हर मैच में, जो कि आप खुद जो की विन करता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ भाई, कभी कभी तो हो जाता है लॉस, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना तो होता है यार यहाँ पे। बट झूठ नहीं बोलता कि आप हर मैच में हर टीम जो कि मेरी लेंगे तो आप यहाँ पे करोड़ों जीतेंगे, तो ऐसा यार बिल्कुल झूठ बोलना मुझे पसंद भी नहीं है और आप लोगों से मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है। सो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम टीम जो कि बनाएंगे बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल, बट उससे पहले मैं इन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ भाई। शायद मेरी वजह से कल इनको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा और मुझे तो भाई काफी अच्छा बेनिफिट हुआ, ठीक है। जो मेरी टीमें लॉस होती थी भाई, यहाँ पे कल के मैच में मुझे काफी अच्छा विन हो चुका है। यहाँ पे भाई जो कि सनी चंद्रकर जो कि ब्रो है, कल वाला भेजे ना भाई, यानी कि बोल रहे कल वाले टीम भेजे ना भाई, और इन जैसे लोगों के वजह से मुझे अच्छा खासा मोटिवेट मिलता भाई और मैं वीडियोस को बना पाता हूँ। और रविंदर गिरी भाई कह रहे हैं भाई आप बहुत अच्छी टीम बनाते हो, बताते हो, थैंक्स भाई बताने के लिए, ऐसे बताओ और बताते रहो भाई। भाई आपको भी थैंक्स मेरी तरफ से जो कि भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं भाई जो कि कहते हैं कि भाई आप टीम नहीं बना पाते ऐसा वैसा करके, तो भाई आपको वही ठीक है, जाइए जो अदर यूट्यूब चैनल पे अदर वीडियोस पे जो कि फेक बताया जाता है भाई एडिटिंग करके, और टेलीग्राम पे बुलाया जाता है कि टेलीग्राम पे और टीमें दी जाएंगी ऐसा करके, तो भाई आपको वही ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत की भाई बात नहीं है। यहाँ पे आप वीडियोस को मत देखिए, आप वहीं पर जाइए, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। आप जहां से भी जीते अच्छी बात है, आप चाहे जहां से जीते, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। बट आपने कमेंट्स किया रविंदर गिरी और सनी चंद्रकर ब्रो, थैंक्स थैंक्स, जो कि काफी अच्छा कमेंट्स मुझे लगा, ओके। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो भाई यहाँ पे कल जो कि हम काफी अच्छा जो कि यहाँ पे विन करें, बट यहाँ पे मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता ब्रो, आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ अदर वीडियोस अदर यूट्यूब चैनल के जैसे कि आपको दिखाऊं भाई, क्योंकि आप देखते हैं और कुछ बच्चे भी होते हैं और जिनके पास कुछ पैसे ज्यादा होते भी नहीं है वो भी वीडियोस को देखते हैं, और भाई वो भी जो कि बहुत ज्यादा अंदर से वो हो जाता है कि भाई हम भी जीते हैं हम भी जीतेंगे, और उनके पास उतना पैसा होता नहीं वो भी लगा देते भाई और लॉस हो जाता है। यहाँ पे कुछ तो पक्का होता नहीं भाई कि रोज ही आप जीतेंगे, ठीक है। प्रेडिक्शन देता हूँ जो कि प्लेयर बताता हूँ कौन कौन से प्लेयर होते हैं भाई, सही भी हो जाता है कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कि अगर हार गए भाई मेरे टीम की वीडियोस को देख करके, आप इतने पैसे दिखाए थे भाई हम हार गए ऐसा करके, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं भाई, काफी अच्छा पैसा हार रहे, तो इसलिए मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता। बट यहाँ पे टीम दिखा दूंगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं 830 पॉइंट जो कि हमें कल के टीम में मिले थे, और भाई 1000 जो कि पॉइंट थे वो कल सबसे हाईएस्ट थे, यानी कि 950 जो कि हाईएस्ट पॉइंट थे फर्स्ट से, यानी कि 100 से यानी कि 10 नंबर रैंक वालों तक का, ठीक है। तो जो कि 1000 से 950 थे, बट यहाँ पे 830 जो कि हमें पॉइंट मिले, और यहाँ पे 2-3 प्लेयर जो कि मिस हो गए थे भाई, बट यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन और अदर प्लेयर जो कि हमें काफी अच्छे पॉइंट दिए जो कि जिस प्रकार से मैंने बताया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम कितने यहाँ पे जीते होंगे भाई। और स्पोर्ट भी अगर आप लगाए होंगे मेरी टीम को तो भाई आप 100% विन करे होंगे, चाहे तो वो 10,000 का रहा होगा चाहे 20,000 का। तो भाई मैं स्पोर्ट ही खेलता हूँ, ग्रैंड लीग कभी कभी लगाता हूँ, ठीक है। ग्रैंड लीग जो कि मैं लगाता हूँ तो जो भी काफी अच्छे मैचेस होते हैं तब भाई, बॉलिंग पिच में नहीं लगाता मैं, बैटिंग पिच पे ग्रैंड लीग लगाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बैंगलोर वर्सेस राजस्थान के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले हम गूगल पापा के पास चलेंगे और थोड़ा सा प्रेडिक्शन लेंगे भाई टीम, यानी कि देख करके परसेंटेज देख करके। तो यहाँ पे हम आ गए गूगल पापा के पास और आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल भाई, चैलेंजर्स के जो कि 57% चांसेस दिखाई दे रहे हैं और रॉयल्स यानी कि राजस्थान रॉयल के 43%, ठीक है। और यहाँ पे स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम कहाँ पे हो रहा है वो देख लेते हैं, यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम, यानी कि आप समझ लीजिए भाई यहाँ पे बैटिंग होने वाली काफी अच्छी काफी धुआंधार, ठीक है। और यहाँ पे बॉलर की बात करें बैट्समैन की बात करें तो सारे के सारे आपको पता ही होगा भाई, कुछ चेंजमेंट होते हैं तो दूसरा सेकंड चैनल है आपको उसको सब्सक्राइब कर लो, वहां पे मैं आधे घंटे पहले जो भी अनाउंसमेंट होता है प्लेयर का तो आपको एक से डेढ़ मिनट की वीडियो मिलती है और वहां पे टीम भी मिल जाती है और जो कि दे देता हूँ, यानी कि आपको अपलोड कर देता हूँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो कि मेरा ये जो कि टीम होती है भाई, मेरा खुद का टीम होता है, मैं खुद जो कि इनपे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करता हूँ रॉयल। और भाई आप सोच रहे हो कि भाई आप पैसे कहने देखो भाई, आप सोच सकते हैं आप तो देख लेंगे, बट जो कि बच्चे होते हैं उनके पास कम पैसे होते हैं परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होते, ठीक है, कहीं से भी जुगाड़ करके अगर लगा रहे हैं भाई, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, हार गए 8-10 हजार रुपए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग सोच सकते हैं कितने पॉइंट में कितना पैसा जीता जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब यानी कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे जाकर के टीम को क्रिएट करने की। तो फाइनली यहाँ पे हमने ओपन कर लिया बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल, अभी हमारे पास काफी घंटे हैं तो इस प्रकार से आपके सामने विकेट कीपर आ जाते हैं भाई, और आज के मैच में कौन सा प्लेयर जो कि काफी अच्छा खेलने वाला तो वो बात करेंगे, और यहाँ पे बॉलिंग वर्सेस बैट्समैन किस प्रकार से है तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई बैंगलोर के यानी बॉलर्स के बारे में, बैंगलोर के बॉलर यानी कि चहल और जो कि यहाँ पे हर्षल पटेल, हर्षल पटेल का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा भाई, और यहाँ पे जेमिशन और जो कि मोहम्मद सिराज, ये जो कि बॉलर है यहाँ पे यानी कि बैंगलोर के जो कि काफी माने जाने हैं, ठीक है।
और इनको बॉलिंग कराने का मौका भी काफी ज्यादा मिलता है भाई, चार बॉलर है। और शायद मुझे लग रहा है भाई कि बेंगलोर की टीम में आज कुछ जो कि आपको चेंजमेंट देखने को मिले भाई, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है। और चेंजमेंट क्या रहेगा तो वो शायद यहाँ पे हो सकता है भाई, यानी कि चेंजमेंट जो कि होता है तो क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। शायद यहाँ पे मोहम्मद सिराज को बैठाया जा सकता है भाई, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है न्यूज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद सिराज को जहां तक बैठाया जाता है जा सकता है, बट अगर नहीं बैठाता तो भाई बंदा कुछ तो अलग करेगा, ठीक है, मुझे लग रहा है जहां तक। और भाई जैसे कि कल के टीम में मैंने बताया था भाई वैसे ही सेम हुआ, और रविंद्र सिंह को मैंने वाइस कैप्टन बताया था और आपको बताया भी था कि भाई बंदा कुछ करने वाला यार, वैसे ही हुआ था, बट थोड़ा सा मिस हुआ, अदरवाइज मैच जो कि कोलकाता में होता, ठीक है, यानी कि कोलकाता की तरफ मैच चला जाता पूरा का पूरा भाई, गया ही था, पैड कमिंस ने आकर ऐसा धोया था, क्या बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे एबी डिविलियर्स, जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन जो कि हमारे पास हैं, और भाई संजू सैमसन का परफॉर्मेंस जो कि यहाँ पे यानी कि हर्षद पटेल के खिलाफ जो कि कुछ खास नहीं है, ठीक है, कुछ खास नहीं भाई, पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। और इनका पहला मैच जो काफी अच्छा होता उसके बाद से जो कि आप देखेंगे 23-25 पॉइंट, और यहाँ पे मुझे 80-90% लग रहा है कि आज के मैच में ये काफी अच्छा जो कि मारने वाले हैं, रन रेट इनका काफी हाई होगा, और डिविलियर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा जा रहा है इस मैच में, तो जैसे कि आप सभी लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे। और एक मैच में हमने डिविलियर्स को कैप्टन भी बनाया था जो कि आप लोग अगर टीम देखेंगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई टीम को क्रिएट करने की, तो टीम को क्रिएट करेंगे किस प्रकार से, किसको लेने वाले हैं, और डेविड मिलर को जो कि हमने बनाया था, सॉरी ब्रो यार, यानी कि कुछ खास नहीं कर पाया था डेविड मिलर, बट यहाँ पे उनका पहला परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, तो हो सकता है भाई यहाँ पे बीमार है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, इनको लेने वाले हैं, काफी अच्छा खेलता है बंदा, बट हो सकता है किस्मत साथ ना दे तो क्या कर सकता है कोई, फिर भी लेंगे इनको, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं एबी डिविलियर्स वर्सेस संजू सैमसन, और एबी डिविलियर्स और संजू सैमसन अगर आपने सामने खेलते हैं भाई तो काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है, यानी कि बैट्समैन और बॉलर के बीच में, ठीक है। संजू सैमसन का यानी कि जो कि रहता है हर्षद पटेल के खिलाफ रन रेट इनका कम है, अदरवाइज सारे बॉलर के खिलाफ इनका रन रेट जो कि काफी अच्छा है, ओके okay, और जॉर्ज बटलर ने पिछले मैच में काफी अच्छा खेल गया भाई, जो कि सारे मैच यानी कि खराब जा रहे थे, तो इस प्रकार से हम संजू सैमसन और एबी डिविलियर्स को दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा भाई इन सारे मैचों में जिस प्रकार से इनको माना जाता है, ओके okay? तो यहाँ पे डेविड मिलर को जिस प्रकार से मैंने बताया तो आपको ले लेना है, और मदन मेहरा जो कि कुछ प्रकार से खास कर नहीं रहे यहाँ पे जिस प्रकार से उम्मीदें हैं लोगों को, तो यहाँ पे पंडितर को हम नहीं लेने वाले, और रियान पराग को आप ले सकते हैं भाई, बंदा काफी अच्छा खेल रहा है, यानी कि आपके पॉइंट जो कि मिस नहीं जाते भाई, ठीक है, रियान पराग को आप ले सकते हैं, बट इससे पैसे हम ऑलराउंडर में जाते हैं, मैक्सवेल हो गए भाई हमारे, क्रिस मोरिस हो गए, और यहाँ पे एक बंदा और जो कि हमारे वाशिंग सुंदर को ले सकते हैं, या तो यहाँ पे ले सकते हैं आप शहबाज अहमद को भाई, ठीक है, शहबाज अहमद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 14 रन और 3 विकेट ली थी बंदे ने, तो यहाँ पे शहबाज अहमद को अगर बॉलिंग मिलती है बेंगलोर की तरफ से तो यानी कि अच्छे खासे पॉइंट पा सकते हैं, बट यहाँ पे चांसेस बहुत कम है भाई, शहबाज अहमद के पास चांसेस बहुत कम है, कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों बॉलर मैंने बताया, चहल और हर्षद पटेल और यहाँ पे जेमिशन और मोहम्मद सिराज, ठीक है, यहाँ पे ये चारों बॉलर इनके पास हैं, और जो कि वाशिंग सुंदर भी हैं, ठीक है, यहाँ पे वाशिंग सुंदर को बॉलिंग कराने के लिए दे रहे हैं या तो शहबाज अहमद को, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो भाई शहबाज अहमद को थोड़ी देर के लिए आप मिस करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, यहाँ पे जॉर्ज बटलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जिस प्रकार से बताया मैंने यहाँ पे आप विराट कोहली को ले लीजिए और यहाँ पे देवदत्त पेडिकल को, ठीक है, यहाँ पे हमारे हो गया बॉलर की बात करें तो बॉलर की सकरजक को हम लेंगे जो कि काफी अच्छा फॉर्म में चल रहा है बंदा, यहाँ पे लेने वाला मुजीबुर रहमान को तो भाई आपको छोड़ना ही है, ठीक है, मुजीबुर रहमान को आपको ले ही लेना है भाई, पेडिकल के ऊपर तो हमारी उम्मीदें ज्यादा नहीं है तो पेडिकल को माइनस करेंगे भाई, ठीक है, पेडिकल को माइनस करेंगे और यहाँ पे दूसरे बैट्समैन को अभी लेने वालेंगे, तो इससे पहले हम जो कि यहाँ पे देखेंगे कि किसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पेडिकल को हम तो थोड़ा माइनस करने के लिए सोच रहे हैं, मिस करने के लिए सोच रहे हैं, दूसरे टीम में देखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि पेडिकल के ऊपर तो ज्यादा मुझे लग नहीं था भाई, 20-25 रन में पेडिकल शायद जाने वाला है आज की टीम में, ओके, जहां तक मुझे लग रहा है भाई। और जयदेव नाटकर तो काफी अच्छा भाई परफॉर्म में चल रहे थे, बट यहाँ पे पिछले मैच में कुछ खास नहीं रहा, और इससे पहले वाले मैच में बंदे ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जैसे ही ओपनिंग हुई थी भाई काफी अच्छा खेल दिया था भाई, 3 यानी कि विकेट ली थी बंदे ने, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जयदेव नाटकुट को जो कि हमारे पास ऑप्शन है भाई। चहल जो कि यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं है भाई, शायद मुझे लग रहा है कि 0 भी जाने वाले, ठीक है, एक टीम यानी कि एक विकेट बहुत मुश्किल से मिलने वाली चहल को, और हर्षद पटेल को हमने सेलेक्ट क्यों नहीं किया था, दूसरा टीम में लेने वाले भाई, आप सोच रहे होंगे कि हर्षद पटेल को क्यों नहीं लिया भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे नाटकुट को हटा के यहाँ पे हर्षद पटेल को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करते हैं जॉयस बटलर यानी कि लेते हैं या नहीं लेंगे इनको पहले टीम में, और यहाँ पे हम जॉयस बटलर के जो कि खिलाफ में लेने वाले हैं यहाँ पे मदन मोहरा को ले सकते हैं, ठीक है, मदन मोहरा को ले सकते हैं या तो रियान पराग को, तो हम यहाँ पे रियान पराग को लेने वाले हैं। और यहाँ पे आप बात करते हैं आप किस बैट्समैन को हम लेंगे, तो बैट्समैन में आते हैं, और यहाँ पे आप देवदत्त पाटिकल को या मदन मोहरा को ले सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं देवदत्त पाटिकल को जो कि 20-25 रन मारेगा मुझे जहां तक लग रहा है, बट फिर भी हमें लेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है,
बट यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो एक में हम बताएंगे एबी डिविलियर्स और दूसरा जो कि हमारा हो गया भाई मैक्सवेल या क्रिस मोरिस, ठीक है, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में दोनों चल रहे हैं। भाई मैक्सवेल को हम यहाँ पे वाइस कैप्टन बना देंगे और क्रिस मोरिस को भी आप बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैप्टन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन क्रिस मोरिस को भी बना दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे ये टीम हमारी जो क्रिएट हो गई, अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और अगर दूसरी टीम आप क्रिएट करते तो भाई किस प्रकार से आप उनमें क्या करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन मैक्सवेल और यानी कि वाइस कैप्टन बनाया था तो यहाँ पे सैंजू सैमसन को आप कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन क्रिस मोरिस को बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर्षल पटेल को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, यहाँ पे आपकी टीम अच्छी खासी रैंक करेगी और बॉलर आप चेंजमैन कर सकते हैं, जयदेव नट को ले सकते हैं जिसमें आपको माइनस कर देना है, यानी कि मुजीबुर रहमान को आप माइनस कर सकते हैं और केवी जेम्सन को ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सारी टीमें क्रिएट हो जाएंगी भाई, क्या अच्छी टीम है। और आधा घंटे पहले जो कि अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है, चेंजमेंट होता है तो भाई आपको दूसरे सेकंड चैनल पे जो कि मिल जाएगा वीडियो एक डेढ़ से मिनट का, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, सेकंड चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। होपफुली वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं और भाई आपके भाई का नाम जान लीजिए, आपके भाई का नाम है।